नमस्कार दोस्तों, आपका फिर एक बार स्वागत है मेरे चैनल सक्सेस विद ब्रजवाल। और आज हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस के लिए भारतीय भूगोल। और भारतीय भूगोल का पहला टॉपिक होगा भारत का परिचय। और कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले दोस्तों क्या करते हैं, हम ईश्वर की आराधना करते हैं। तो ईश्वर की, किस ईश्वर की आराधना की जाती है? गणेश भगवान जी की। ओम गणेशाय नमः। ईश्वर की आराधना करने के बाद हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है भारत का परिचय। और भारत का परिचय हम 6 स्टेप में पढ़ेंगे। फर्स्ट, भारत का विस्तार। भारत का या किसी भी देश का विस्तार या किसी भी देश की लोकेशन समझने के लिए उसका मैप आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, भूगोल एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बिना मैप के आपको समझ में नहीं आएगा। उसके लिए सबसे पहले आपको मैप बनाना होगा। और अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और इस टॉपिक को आप अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ साथ अपने रजिस्टर में ये सारे काम करते रहिए। एक मैप बनाइए, वीडियो को पॉज करते रहिए, पॉज करने के बाद उसे मैप को बनाइए और जो जो चीज़ मैं बताऊंगा वो सारी चीज़ें आप नोट करते रहिए। सबसे पहले विस्तार। किसी भी चीज़ का विस्तार देखने के लिए हमें उसकी डायरेक्शन पता होनी चाहिए। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। फ्रेंड्स, ये ऊपर का पोर्शन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। विस्तार देखने के लिए यहाँ पर आपका अरब सागर यानी अरेबियन सी, बंगाल की खाड़ी, सेकेंड स्टेप आपका क्षेत्रफल। दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब क्षेत्रफल के बिहाफ पर भारत की पूरे वर्ल्ड में पोजीशन है 7 पोजीशन। अब वो ये पूछ लेता है कि टोटल वर्ल्ड का क्षेत्रफल, भारत टोटल वर्ल्ड के क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो टोटल वर्ल्ड या कुल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। ये क्वेश्चन पीसीएस 40 में पूछा गया, कितना परसेंट है? 2.42%। अब ये तो एक कॉमन, सभी को पता होता है कि भारत का क्षेत्रफल के बेस पर भारत का प्लेस पूरे वर्ल्ड में 7th है। और भारत से बड़े जो बिगेस्ट कंट्री है इंडिया से, वो 6 कंट्री कौन कौन से हैं दोस्तों, उसके लिए देखिए। फर्स्ट रशिया, सेकेंड कनाडा, थर्ड चाइना, फोर्थ यूएसए, यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, फिफ्थ ब्राजील, सिक्स्थ ऑस्ट्रेलिया, सेवन इंडिया। ये आपके वर्ल्ड के टॉप 7 बिगेस्ट कंट्री हैं। अब इन टॉप 7 बिगेस्ट कंट्री को याद रखने के लिए इनका फर्स्ट लेटर दे दीजिए, आर सी सी यू बी ए आई, रक्कू बाई। सिंपल है, रक्कू बाई। अगर आपको रक्कू बाई ध्यान रहेगा तो आप ध्यान रख सकते हैं कि वर्ल्ड के टॉप 7 बिगेस्ट कंट्री कौन से हैं और इंडिया का कौन सा प्लेस है? 7th प्लेस। नेक्स्ट, बाउंड्री लाइन्स, बाउंड्री लाइन ऑफ इंडिया, भारत की सीमा रेखा। भारत की सीमा रेखा को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, फ्रंटियर बाउंड्री लाइन या स्थलीय सीमा रेखा। फ्रेंड्स, ये पोर्शन यहां से लेकर आपका ये आपका गुजरात है, गुजरात के कच्छ से लेकर देन ये पूरा यहां तक कवर करने के बाद, और ये बांग्लादेश है यहां तक, ये हमारी स्थलीय सीमा रेखा है, फ्रंटियर बाउंड्री लाइन। और इसकी लेंथ है 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। सेकंड आपकी जलीय सीमा रेखा, जलीय सीमा रेखा सेम यहां से लेकर आपका देन यहां तक, और इसकी लंबाई है आपकी 7,516.14 किलोमीटर, 7,516.14 किलोमीटर। दोस्तों, ये तो इसकी जलीय सीमा रेखा है। कभी कभी एग्जाम में वो पूछ लेता है कि भारत की तटीय सीमा रेखा कितनी है, तटीय सीमा रेखा वो है आपकी 6100 किलोमीटर। तट कॉस्ट, कॉस्ट इज अ पोर्शन बिटवीन लैंड एंड वाटर।
ये जो पोर्शन है आपका टट के पैरेलल जो पोर्शन है ये आपकी कहलाएगी तटीय सीमा रेखा। ये क्या कहलाएगी आपकी तटीय सीमा रेखा। ये है आपकी 6100 किलोमीटर और जलीय सीमा रेखा है आपकी 7516.14 किलोमीटर। अब आप सोच रहे होंगे जलीय सीमा रेखा कौन सी होती है। दोस्तों हमारी जो कोस्ट लाइन है कोस्ट लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक की जो बाउंड्री लाइन है वहां तक इंडिया कोई आइलैंड बना सकता है।